फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। त्रिलोकपुरी से लेकर मयूर विहार फेज 1 तक की मेट्रो का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने किया। आप देख सकते हैं कि शुक्रवार की सुबह 10:15 बजे केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेट्रो का उद्घाटन किया। हम बता दें कि सिर्फ बिहार से लेकर त्रिलोकपुरी तक की ये मेट्रो चल रही थी और इसके आगे का हिस्सा नहीं बन पाया था, जो कि अब पूरा हिस्सा बन गया है और शुक्रवार की सुबह इसका उद्घाटन कर दिया है। वहीं शुक्रवार की दोपहर 3 बजे से ये जनता को समर्पित कर दी जाएगी। इससे तमाम जो जनता थी वो सफ़र कर सकेगी। देख सकते हैं कि आप कि त्रिलोकपुरी के मेट्रो में तमाम जो त्रिलोकपुरी के जो नेता हैं आप पार्टी के वो मौजूद हैं, विधायक रोहित कुमार मौजूद हैं, मेट्रो के अधिकारी मौजूद हैं। काफ़ी सालों से इस मेट्रो लाइन का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि अब ख़त्म हो गया और इसका उद्घाटन कर दिया है। जनता में खुशी है कि आखिरकार उनको अलग अलग इलाकों में मेट्रो बदलनी पड़ती थी, मगर अब वो मेट्रो उनको नहीं बदलनी पड़ेगी, क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा था जो बनकर तैयार हुआ और उसका उद्घाटन कर दिया और मेट्रो दोपहर 3 बजे से आम जनता के लिए चालू हो जाएगी। कंप्राइजिंग 3 lines कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 62 किलोमीटर इज ऑल्सो ग्रेजुअली टेकिंग शेप विद कंस्ट्रक्शन वर्क इन फुल स्विंग। Along with the construction of the rapid rail transit in NCR, DMRC's phase 4 will significantly make commuting easier for residents. DMRC has a stellar record in projecting, implementation and operation, and I wish the DMRC all the very best in taking this forward. Now, some of the issues that I wanted to speak on, because of paucity of time, I have to be in Parliament also. I think Secretary has covered extremely well and comprehensively, like driverless trains. He has also talked about reclaiming the passenger load, which had to be curtailed. And I think pre-COVID, we had reached about 65 lakhs of passengers. And I know that with everybody's cooperation, DMRC has done an excellent job.